लावा मोबाइल के बारे में कुछ वीडियोस करने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई, आप लोगों के सवाल आए सामने, बहुत से लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये स्पेसिफिकेशंस इसकी, इन जो लावा मोबाइल के फ़ोन आ रहे हैं इनकी स्पेसिफिकेशंस बहुत कम हैं, तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, डिजिट हिंदी के इस वीडियो सेक्शन में मैं कृष्णा शर्मा आपका स्वागत कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि लावा मोबाइल इतनी कम स्पेसिफिकेशंस के साथ फ़ोन लॉन्च क्यों कर रहा है। तो अभी हाल ही में लॉन्च हुए लावा Z61 Pro और लावा Z66, ये दोनों ही फ़ोन्स की स्पेसिफिकेशंस काफ़ी कम कही जा सकती हैं, यानी कि दोनों ही फ़ोन्स एंट्री लेवल स्मार्टफोन हैं। एंट्री लेवल स्मार्टफोन उन उपभोक्ताओं के लिए कही जा सकते हैं जो अभी तक फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे थे और अब वो स्मार्टफोन यूज़ करना शुरू करेंगे। तो ऐसे लोग अपने फ़ोन में हैवी गेम्स नहीं खेलते हैं या स्मार्टफोन का कोई हैवी यूज़ नहीं करते हैं, या फिर ये फ़ोन उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने कोई भी अपने स्मार्टफोन में हैवी यूज़ नहीं करना है, यानी जानबूझ के उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई हैवी यूज़ करने की। तो जिन लोगों ने फ़ोन का कोई भारी भरकम प्रयोग नहीं करना, उनके लिए 15-20 हज़ार रुपये का फ़ोन ख़रीदने की कोई बड़ी वजह नहीं होती। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं ज़्यादा, आप शौक़ के लिए या किसी भी वजह से आप कोई महंगा फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो बात अलग है। इसलिए दुनिया की हर कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, वो एंट्री लेवल स्मार्टफोन बनाती है। अब लावा के ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन बाज़ार में उतारने की एक और वजह है जो मैंने पिछले कुछ समय से लावा मोबाइल की गतिविधियों को देखकर समझा है, और वो ये कि लावा को अपना एक बड़ा फ्लैगशिप फ़ोन बाज़ार में उतारने के लिए कुछ समय चाहिए था, जो कि उस नए फ़ोन को डिज़ाइन करने में लगने वाला था। तो उतने समय के लिए बाज़ार से गायब रहने की बजाय लावा मोबाइल को ये ज़्यादा सही लगा कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन लॉन्च करके बाज़ार में अपनी उपस्थिति को बरकरार रखा जाए, क्योंकि ऐसा करने से तीन काम होने वाले थे। पहला, एंट्री लेवल स्मार्टफोन यूज़ करने वाले उपभोक्ताओं की ज़रूरत पूरी होगी। दूसरा, लावा मोबाइल की स्मार्टफोन बाज़ार में उपस्थिति भी बनी रहेगी। और तीसरा, लावा को अपना बेस्ट डिवाइस डिज़ाइन करने में और उसे बनाने में टाइम मिल जाएगा। अब क्योंकि अगर कोई भारतीय कंपनी अपना स्मार्टफोन लॉन्च करती है तो उसका बेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो भीड़ में खोकर रह जाएगा और उसके लिए फिर उसके पास दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा उठने का, क्योंकि यही सही समय है कि वो अपने पूरा जो उसकी योग्यता है उसे यूज़ करके या जो वो कर सकता है करके और वो भारतीय कंपनी ऊपर आ जाए। और इसीलिए लावा अपने मोबाइल को बाज़ार में पेश करने में काफ़ी टाइम ले रही है। ऐसा मैंने लावा के बारे में जो रिसर्च की तब मुझे पता चला। आपके इस विषय में क्या विचार हैं आप नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर चुन लें। और जब तक आप हमारे किसी दूसरे वीडियो पर क्लिक नहीं करते, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।